शाहपुर विधानसभा क्षेत्र सबसे पहले जलमग्न होता है। अभी क्या स्थिति है वहाँ का, स्थलीय स्थिति क्या है, उसके बारे में पहले बताइए। आप लोग के माध्यम से भोजपुर जनपद वासियों का मेरा नमस्कार प्रणाम है। अभी बाढ़ की त्रासदी शाहपुर और बिहियां प्रखंड वासी झेल रहे हैं। बाढ़ त्रासदी के क्रम में आज मैंने पहली बार गया वहाँ पर भ्रमण करने के लिए। मुझे तहसीलदार महोदय से बार बार बात हुई लेकिन नाव की व्यवस्था नहीं किया जा सका। मैंने पैदल ही नदी हिल करके पानी में जा करके गांव के किनारे किनारे प्रयास कर किया संपर्क करने के। वहाँ के लोग त्राह त्राह कर रहे हैं। वहाँ के लोगों ने बताया कि सुगम आवाजाही का साधन नहीं है, महिलाएं, बच्चे दवा के अभाव में परेशान हैं, मवेशी घर से बाहर तैर करके निकल गए हैं, मवेशियों का कहीं अता पता नहीं चल पा रहा है और खाना पीना की व्यवस्था नहीं है। कुछ लोग ऊंचे टीले पर जा कर के शरण लिए हुए हैं, उन लोगों के पास भी खाने पीने की व्यवस्था नहीं है और बहुतेरे लोग। जिला प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था हुई वहाँ? जिला प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ। कल जिलाधिकारी महोदय तमाम पदाधिकारी के साथ जा करके बांध पर खड़े होकर के मुआयना किए, उन्होंने मार्गदर्शन दिया। लेकिन मैं जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि अविलंब भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड को बाढ़ग्रसित इलाका घोषित करते हुए तमाम बाढ़ त्रासदी झेल रहे परिवार को 6,000 रुपया उनके बैंक खाते में दिया जाए, मेडिकल कैंप लगाया जाए और वहाँ तत्काल रहने के लिए जनरेटर की सुविधा दी जाए कि लोग ऊंचे टीले पर सांप बिच्छू के डंग से सुरक्षित बच करके जीवन बसर कर सके। वहाँ के स्थानीय विधायक के द्वारा कुछ किया गया है कि नहीं किया गया अभी? स्थानीय विधायक के द्वारा कुछ अभी तक नहीं किया गया है। मुझे जो जानकारी मिली कि उनके घर में कोई बहुत बड़ी असाध्य रोग से पीड़ित कोई परिजन है, इसलिए वो उसमें व्यस्त हैं, तो स्वाभाविक है कि नहीं आ सकते हैं, इसलिए वो अपने निजी जो रोग ग्रसित तो नहीं, उनके परिवार रोग ग्रस्त हैं, वो रोग ग्रस्त नहीं है, व्यवस्था रोग ग्रस्त नहीं ना है। हाँ, ये बात तो है, उनको आना चाहिए था, मैं मानता हूँ उनको आना चाहिए था, लेकिन यह चुनावी वर्ष नहीं है इसलिए कोई जीते हुए प्रत्याशी उतना उत्सुक नहीं है। लेकिन चुनाव के समय बहुत से जनप्रतिनिधि मैदान में थे और अभी बाढ़ त्रासदी झेल रही है। चुनाव के समय में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, इसलिए आ जाते हैं कि इसी तरह की हमारी जनता है, जनता अपने काम के प्रति चिंतित नहीं रहती है तो सबको नेता मान लेती है, नेता आ जाते हैं, लेकिन काम के आकलन के आधार पर मतदान नहीं होता है।